नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल सांबा। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि वर्लपूल की मशीन का हम लोग रिव्यू करेंगे, जो कि है 7.5 केजी की टॉप लोड मशीन। और यहाँ पर हम बताएंगे कि टॉप लोड बेस्ट होती है कि फ्रंट लोड, आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, विच कंपनी इज़ बेस्ट इन वॉशिंग मशीन्स, आपको कौन सी अभी प्रिफर करनी चाहिए, कितने लोड की लेनी चाहिए, 7.5 केजी या 7 या 6.5, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। सो ये वीडियो बेस्ट है अगर आप लोग वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं। लास्ट तक ये वीडियो देख लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या लेना है क्या नहीं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये है वर्लपूल की मशीन जिसका आज हम लोग डेमो देने वाले हैं, रिव्यू देने वाले हैं आपको। सबसे पहले दिखा देते हैं कि इसमें 3 ईयर की वारंटी मिली है हमें, एंड 10 ईयर की जो वारंटी मिली है गाइस, वो हमें मोटर पे इसके मिली है केवल, और 5 स्टार की रेटिंग की है। यहाँ पर आप लोगों को बिजली का बिल बहुत कम आएगा, और आपका पापा ये भी नहीं बोलेगा कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। सो यहाँ पर आप लोग इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखे हैं पढ़ लेना, मैनुअल गाइड देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन कर दिया, और यहाँ पर ये सेटअप आपको कर लेना होगा ताकि आपका पानी एक साइड से निकल जाए और एक साइड से आपका पानी इसको इनलेट देना होगा जहाँ से ये पानी। सो यहाँ पर अब आते हैं मशीन के हम लोग मैनुअल्स पे। तो कैसे डेमो में स्टार्ट करना है, तो पावर को सबसे पहले ऑन कर लेना है गाइज। पावर ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पर 12 तरीके के प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाते हैं कि आपको डेली वॉश, अगर जैसे दिन डेली वाले कपड़े हैं तो डेली की तरह धो सकते हैं, हैवी वॉश आप लोगों को करना है जैसे कि कुछ भारी कंबल है लाइक दैट, वो सब चीज़ें कर सकते हैं, वाइट कपड़े धोने हैं, डेलिकेट कपड़े धोने हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको जिस हिसाब के कपड़े धोने हैं धो सकते हैं। बारिश में भीग के आए हो ऑफिस से तो ड्राई ओनली कर सकते हो, वॉश ओनली करके टांगना है बाहर तो वो भी कर सकते हो, रिंस प्लस ड्राई में थोड़ा पानी भरेगा फिर उसको ड्राई करेगा, इको वॉश यहाँ पर भी दिया हुआ है। आते हैं अलग मैनुअल्स पे, जब यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस यू नीड टू सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको इसको स्टार्ट करना है और वो अपने आप पानी फिल करना है और ये सब ले लेगा। अगर आप लोगों को टाइम इसमें कम कंज्यूम करना है कपड़ों को धोने के लिए, तो आपको एक्सप्रेस वॉश का बटन को प्रेस कर देना है ताकि ये जल्दी से जल्दी आपके कपड़े धो दे। जो कपड़े का काम वो 1 घंटे में धोने में करती है, वो यहाँ पर 35-40 मिनट में कर देगी। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा फंक्शन देखने को मिला है कि इसमें 360 डिग्री रोटेशन देखने को मिल जाता है इस वॉशिंग मशीन में। 7.5 केजी कपड़े ज़्यादा धो सकते हो, 0.5 केजी में मतलब 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा धुल जाते हैं, 7 केजी भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इन बिल्ट हीटर यहाँ पर देखने को मिलता है जिससे आप लोग अपना पानी को गर्म कर सकते हैं, हॉट वार्म, और आपको किस तरीके का धोना है वो यहाँ पर लिखा है, वो आप लोग खुद से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ड्राई करने के भी कई टाइप दिए गए हैं, देख सकते हैं, जेंटल, नॉर्मल, एक्स्ट्रा, पावर ड्राई, तो आपको कौन सा ड्राई करना है तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए। गाइस, कभी कभी ड्राई करने से कपड़े फट भी सकते हैं तो सोच समझ के करना। यहाँ पर आप लोगों को एक वाटर लेवल देखने को मिल जाएगा, मिनिमम 10 लेवल्स, मैनुअल्स 10 लेवल्स होते हैं वाटर के, आप लोग वो अपने आप ऑटोफिल कर लेता है। पावर ड्राई टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, ज़ीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी, प्रेशर इसमें नहीं बनेगा, और डायनेमिक्स यहाँ पर ड्रम दिया गया है इस पर। इसके अंदर गाइस डायमंड का ड्रम देखने को नहीं मिलता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। चाइल्ड लॉक क्या है, इन दोनों बटन को साथ में प्रेस करके रखेंगे, चाइल्ड लॉक लगा दीजिए, कोई भी आपका बटन प्रेस नहीं करेगा बच्चा, और आप लोग घर से बाहर चले गए मान लीजिए 1-1.5 घंटे के लिए, तो आप लोग इसमें से वॉश कर सकते हैं, आपका ये वॉश करके कपड़े सूख उख जाएंगे, सब हो जाएगा, कोई आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाला आप लोग लॉक लगा सकते हैं। 7 केजी और 7.5 केजी में गाइज इतना सा डिफरेंस है केवल कि हॉट वॉश यहाँ पर देखने को मिलता है, हीटर आ जाता है इसके अंदर, बस दूसरी वाली में हीटर नहीं आता है। और साथ ही में ये जो डोर है इसका, मतलब जो पैनल है वो है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक पैनल होने के कारण यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप खुल रहा है बंद हो रहा है। तो स्मार्ट यहाँ पर पैनल दिया गया है जिससे ये टूटेगा नहीं कांच, लेकिन टफ एंड ग्लास है, टूटने का डर नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये था पूरा डेमो, मैंने आपको बता दिया कैसे कपड़े धोने कैसे नहीं, अब इसका रिव्यू करते हैं गाइज। अभी रिव्यू करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टॉप लोड बेस्ट है कि फ्रंट लोड। तो अगर गाइज आपके पास पैसा है 30-35 हज़ार, तो आपको फ्रंट लोड लेनी चाहिए, उसमें कपड़े काफ़ी साफ और अच्छे तरीके से धुलते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर गोल 360 डिग्री रोटेशन होता है, साथ ही में हैवी
जो कपड़े होते हैं उनको भी साफ धोता है, और जो आपके वाइट कॉलर वाले कपड़े वाइट कपड़े होते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन करके देता है। बट ये टॉप लोड में थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता है कपड़ा की धुलाई, कॉलर वॉलर गंदे रह जाते हैं कभी कभी, बट फिर भी ठीक है। और वहाँ पर फ्रंट लोड में आपका कपड़ा उलझता नहीं है, टॉप लोड में कपड़े उलझ जाते हैं तो उसको थोड़ा निकालने निकालने में उलझन सी होती है। तो ये है डिफरेंस। अब आप लोगों को बात करें कौन सी लेनी चाहिए, तो गाइज़ अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा बंदे हैं, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, वीक में एक बार धोना चाहते हो तो आप लोग बड़ी मशीन की तरफ जा सकते हो, हफ्ते में दो तीन बार धोना चाहते हो तो गाइज़ आप लोग छोटी मशीन की तरफ जा सकते हो, 7 kg, 7.5 kg या 6.5 kg ले सकते हैं। इससे छोटी मशीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, 7 या 7.5 ले लीजिए बेटर रहता है। वर्लपूल की मशीन लेना मेरे हिसाब से अच्छा है, लास्ट 2-3 साल से मेरे घर पर यूज़ हो रही है ऑटोमेटिक। ये वाली तो हमने अभी बेंगलोर में खरीदी है, कानपुर में हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन है बट उसमें हीटर दिया गया है वो उसमें उपलब्ध नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। और साथ ही में जो पैनल है हाइड्रोलिक वाला वो इसमें देखने को मिल जाता है जो कि उस वॉशिंग मशीन में नहीं था, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसमें। वो मशीन जो 7 वाली है, 7 kg वाली, वो आपको 17-18 हज़ार रुपये की मिल जाती है। हम लोगों ने जब बाई की थी आज से 2 साल पहले गाइस तो वो थी 17 हज़ार की, अभी आप लोग उसको बाई करेंगे तो 18 हज़ार की मिल जाएगी। थोड़ा सा उसमें चेंजेस आए हैं, थोड़े से पैनल को चेंज किया गया है, थोड़ा सा अंदर मदरबोर्ड को जिससे मतलब कि बिजली प्रोवाइड होती है थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें 1,000 रुपये बढ़ चुका है टैक्सेस एक्सेस लगा कर गाइस। और ये 7.5 kg की आप लोग लेते हैं 22-23 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी, हम लोगों को 23 हज़ार समथिंग की पड़ी है, आप लोग भी ले सकते हैं। बेंगलोर में रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा पता नहीं मुझे, बट आप लोग अपनी सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो अभी आपका क्या डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर दूँ, आपका आंसर क्लियर हो जाए और आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन ले सकें। क्या डाउट है वो मुझे बताना, क्या मैंने मिस कर दिया वो मुझे नहीं पता। इसका लोड काफ़ी हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है और ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होता है इसमें। अच्छी मशीन है, 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, रिव्यू तो सही है गाइज़। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि 7 kg लेनी है कि 7.5 kg लेनी है, हीटर चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हीटर इतना काम में नहीं आता है, आप लोग नॉर्मल ले सकते हैं 7 kg वाली। तो इस वीडियो को यहीं पे गाइस एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, राम राम, लव यू ऑल।